अब आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी यानी कि गांव में भी आपको कोरोना वायरस के मरीज मिलने लगे हैं, पॉजिटिव केस पाए जाने लगे हैं। अभी कहीं आर्टिकल में पढ़ रहा था मैं कि आपका काफी अधिक यानी कह सकते हैं कि जो भी बाहर से आए हुए हैं उनमें से चार अगर भारत कहीं से जैसे आप दिल्ली से ले लीजिए या मुंबई या सूरत गुजरात ये अपने क्षेत्र में अगर लौटे हैं तो उनमें से चार में से एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और आप सोचिए कि अगर ये ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे होंगे तो इनके मतलब नजदीकी भी किस कोई आया होगा, इनका मिलना जुलना भी हुआ होगा, तो उनमें भी कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ा होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार में आप देख रहे हैं कि टेस्टिंग कम की जा रही है, अन्य राज्यों में भी देख रहे हैं कि टेस्टिंग कम की जा रही है। अरे जब शहरों में कम की जा रही है तो बाकी आप ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति समझ सकते हैं कि क्या हाल रहा होगा। तो अब उसी से संबंधित ये आर्टिकल लिखा गया है और बताया जा रहा है कि आखिर ये क्यों केस बढ़ रहे हैं, क्या समस्याएं हैं कि बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 मार्च 2020 से लगाया गया देशव्यापी लॉकडाउन ने शहरों में काम करने वाली ग्रामीणों की जिंदगी में भूचाल ला दिया। रातों रात बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, आपने देखा है। सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन के निलंबित होने से इन प्रवासियों के पास अपने मूल स्थानों की ओर पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं थे। इसे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े पलायन के रूप में देखा गया है। आप समझ रहे हैं कि भारत का इतिहास आज का ऐसा नहीं है, हजारों साल पुराना है। तो हजारों साल के इतिहास में हमने लोगों ने पहली बार इस तरह का पलायन देखा है। आपने देखा है किस तरह से लोग लाचार थे, कई लोगों की तो चलते चलते जान चली गई, कई ट्रेन के नीचे आ चुके, कई आपने देखा है कि एक स्थिति हमने बहुत भयानक देखी। एक महिला को आपने देखा होगा कि रोड पर चलते हुए बच्चे को जन्म दे रही है, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो उठकर फिर चलने लगती है। तो स्थिति को भी देख सकते हैं आप लोग, इतनी भयानक स्थिति कभी नहीं पैदा हुई है। और उसके बाद पूरी तरह से आपने परिवहन ठप्प कर दिए। मेरा मानना है कि पहले आप लोगों को इन्हें पहुंचा देना चाहिए था अपने घर, उसके बाद अगर आप लोग दो क्या 4-5 महीने का भी अगर लॉकडाउन लगा देते तो आदमी झेलने की क्षमता रखता है। क्योंकि आप समझते हैं कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आप शहर में रह रहे हैं, तो उस समय आप समझ सकते हैं कि अब पर क्या विकट स्थिति रह सकती है। कभी आपको हो सकता है कि भूखा भी रहने पड़े। लेकिन गांव अगर आप पहुंच जाए तो आपके पास पैसा भी ना हो फिर भी आपका घर में इतना काम चला लेते हैं कि आराम से हो जाता है। और वैसे भी आप देखते हैं कि घर में अगर आप रह रहे हैं तो 500 से 1000 रुपये में महीना कट जाएगा आपका, और शहर में आपको 5 से 7 हज़ार रुपये की जरूरत कम से कम पड़ती है। शहरों में नोवेल कोरोना वायरस के विनाशकारी प्रभाव के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका प्रसार बढ़ रहा है। प्रवासियों की इस उलट प्रवृत्ति के चलते कई जिलों के ग्रामीण इलाकों में भी COVID-19 के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण भारत को कोरोना वायरस की तेजी से फैल सकता है। और याद रखिए अगर टेस्टिंग आप करेंगे तब और मुझे लगता है कि ज्यादा केस समय देखने को मिलेंगे। जब टेस्टिंग ही कम की जा रही है तो कहाँ से केस देखने को मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम लोग COVID-19 के मामलों के बढ़ते मुख्य कारणों की बात करें तो आपने देखा है कि प्रवास की उलट प्रवृत्ति, यानी कि कहने का मतलब है प्रवास तब होता है जब दूसरे अपना घर आप छोड़ के दूसरे शहरों में जा रहे हो, उसे प्रवास कर लेते हैं आप लोगों को प्रवासी कह देते हैं। अगर आप अपना वो शहर जहाँ गए हुए थे उसे छोड़कर जाते हैं तो इसका लौटने की प्रवृत्ति कह देते हैं, यानी कि आप वापसी हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा और झारखंड वे राज्य हैं जहाँ प्रवासियों का उच्चतम उत्प्रवास हुआ है। इन राज्यों में अब COVID-19 के मामले की संख्या में भारी वृद्धि भी देखी जा रही है, यानी कि बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्योंकि आप देखते हैं कि हमेशा इन्हीं राज्यों से अधिकतर मजदूर काम की तलाश में अन्य शहरों में जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार आप देखते हैं। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संकलित प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार शहरी केंद्रों से 6 राज्यों के 116 जिलों में लगभग 6.7 यानी कि 6.7 मिलियन प्रवासी लौटे हैं अपने गाँव में। लोग प्रवासियों का लगभग 4.4 मिलियन या फिर 2/3 53 जिलों में आए हैं, जिसमें से अकेले बिहार के अगर हम लोग 32 जिलों में बात करें तो 2.36 यानी कि 2.36 मिलियन प्रवासी लौटे हैं घर। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है, 1.748 मिलियन लोग आपके 31 जिले में लौटे हैं उत्तर प्रदेश में, और बाकी आप समझ सकते हैं ये तो सरकारी आंकड़े हैं। हकीकत क्या है
उसे आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। इनके लौटने के बाद भी कोई क्वारंटीन इस तरह की व्यवस्थाएं भी नहीं की गई कि उन्हें रोककर कुछ ही लोगों को रोका गया है, बाकी लोग निकल के अपने घर चले गए। और मुझे लगता है कि बताने में भी आजकल लोग शर्म खा रहे हैं कि मतलब भेदभाव इस तरह से ऊंच नीच का भाव नहीं रहता था। एक समय देखते थे कि आप भेदभाव देखा करते थे, उसी प्रवृत्ति को आज भी जन्म दे दिया गया है कि जिस तरह से आपके अगर पड़ोसी को हो जाता है तो आप उसे नफरतहीन भावना से देखने लगते हैं। तो इसलिए भी अगर पड़ोसी को हो भी जाता है तब भी वो नहीं बताता है, तब भी वो चुपके से घर में बैठा रहता है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का खस्ता हाल बुनियादी ढांचा, कहने का सीधा सा मतलब है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हॉस्पिटल है, जो भी स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उसकी क्या हालत रहती है उसे आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। लोग ग्रामीण हॉस्पिटल हैं जो उनमें जाने की बजाय घर में जाना मर जाना पसंद करते हैं, यानी कि ये हालत है हमारे देश के सरकारी हॉस्पिटलों की। और कई गांव तो आप देखते हैं कि 4 से 5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं, कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो उनका क्या हाल होता होगा आप समझ सकते हैं। ग्रामीण भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा बहुत निराशजनक है, जहां डॉक्टरों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल में बिस्तरों और उपकरणों सहित अन्य चिकित्सा पेशेवरों की बहुत कमी देखने को मिल रही है। COVID-19 के अपर्याप्त परीक्षण और क्वारंटीन सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण भारत में यह महामारी विशेष चुनौती प्रस्तुत करती है। और इसके अलावा गैर संचारी रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, संक्रामक रोग जैसे तपेदिक, दस्त और ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण का स्तर भी उच्च देखने को मिलता है। और एक व्यवस्था आप और देख रहे होंगे, आप लोग वीडियो आजकल वायरल हो रहे हैं उसमें भी आप देख रहे होंगे किस तरह से व्यक्ति लाइन में लगे हुए हैं हॉस्पिटल में, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, बेड नहीं मिल रहे हैं। कई बार आपने देखा है कि एक व्यक्ति मर जाता है, वहाँ उसकी लाश 4 से 5 घंटे पड़ी रहती है, उसके बाद उसकी लाश उठाई जाती है। बिहार में आपने देखा एक जगह आप ऑक्सीजन ना होने के कारण उसे बाहर लाकर ऑक्सीजन मतलब प्रकृति से ऑक्सीजन देने का काम किया जाता है, इस तरह की भी आप घटनाएं सुन रहे होंगे। कोरोना वायरस में याद रखिए हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो हालत थी, जो हमारे नेता हुआ करते थे फेंकते थे, उसे उजागर तो पूरी तरह से कर दिया, हकीकत क्या है उसे बहुत अच्छी तरीके से बता भी दिया गया। कई जिलों के गांव स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत दूर हैं, विशेषकर दूरदराज के इलाकों में यहाँ यातायात की उचित व्यवस्था ना होने के कारण समय पर COVID-19 की जांच और उपचार भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। और गांवों को आप लोग जानते हैं कि क्या सुविधा है, जिनके पास खाने के लिए व्यवस्था ना हो, पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए घर की स्थिति ना हो, वो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में कहाँ से कर पाएंगे। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा गरीब स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण ही मरता है, उसके पास सुविधाएं नहीं है कि इस तरह से वो VIP हॉस्पिटलों में जा सके, तो इसकी आप देख सकते हैं इस तरह से। और याद रखिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोरोना फैल चुका है तो इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल रहेगा जब तक कि कोई वैक्सीन या टीका नहीं आ जाता है। ग्रामीण घरों में पानी और साबुन की सुविधा की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वच्छता जरूरतों का पूरा ना होना इस चुनौती और गंभीर बना देता है। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में 60% से अधिक घरों में पानी और साबुन की पर्याप्तता उपलब्ध नहीं है। ये उन राज्यों में से है जहां प्रवासियों का सबसे अधिक उत्प्रवास हुआ है। कभी आपको स्थिति देखना है तो बुंदेलखंड, बघेलखंड जाइए आप लोग, अभी भी देखा जाता है कि 5 से 7 किलोमीटर दूर दूर से पानी लाया जा रहा है पीने के लिए। अब उनसे कहिए कि डेली आप दिन में 10 बार हाथ धोइए, कहाँ से धोइए। अभी भी लोग देखते हैं आप लोग साबुन को तभी यूज करते हैं जब जरूरत हो, इतनी गरीबी है तो उनसे आप लोग कहाँ उम्मीद रख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये व्यवस्था भी देखी जा रही है। आपने देखा है कि एक स्वच्छ भारत अभियान चला था आपके देश में, शौचालय बनाई गई, आपने देखा आजकल वो शौचालय खाली पड़ी हुई है, उसमें कोई यूज भी नहीं करता है क्योंकि पानी की सुविधा ही नहीं है तो कहाँ से यूज करेगा। अगर शौचालय यूज करता है तो कम से कम 1 से 2 बाल्टी यानी कि 10 से 15 लीटर पानी जरूरी रहता है एक बार लेटरिन यानी कि बाथरूम जाने में, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसकी भी आप व्यवस्था यही हाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और स्वच्छता के संदर्भ में जागरूकता का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता और अंधविश्वास के कारण कई बीमारियों में को गंभीरता से नहीं लिया जाता है।
बीमारियों में संस्थागत सुविधाओं से इलाज के बजाय बड़ा झोला छाप डॉक्टरों या फिर झाड़ू पोंछ का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि रोग के इलाज में बिना डॉक्टर से सलाह लिए मेडिकल की दुकानों से दवा लेकर उसका उपभोग कर लिया जाता है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में पूरा स्वच्छता मानकों का भी अभाव पाया जाता है, जिसमें स्वच्छ जल, जल निकासी, शौचालय इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल है। इस स्थिति में कोविड-19 का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में काफी चिंता का विषय भी है। आप भी जानते हैं कि उन डॉक्टरों से आखिर अधिकतर लोग इलाज करवाते हैं जिन्हें मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। अगर बुखार आपको आ रहा है, बुखार सामने वाली को आ रहा है, तो दोनों को मलेरिया का इंजेक्शन लगा देगा, हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार आप देखते हैं कि झाड़ू फूंक वाले जो बाबा होते हैं, इनका भी सहारा लिया जाता है। तो ये हाल है आपकी, तो आप समझ सकते हैं क्या व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों की सोच छोड़िए, मैंने कई शहरों में भी देखा है इस तरह की व्यवस्थाएं, और अभी भी आप शहरों में भी देख रहे हैं कि बिना मास्क लगाए हुए घूम रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों की क्या हालत है आप समझ सकते हैं। जब पढ़े लिखे लोग भी जागरूक नहीं है, तो अनपढ़ों की आप क्या उम्मीद रख सकते हैं उनसे। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड का प्रसार चिंताजनक क्यों है आखिर? यानी कि शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 है तो उतना चिंताजनक नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ये फैलता है तो चिंताजनक क्यों है? शिक्षा और जागरूकता का अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के मामले में शहरों की तुलना में काफी पीछे। अभी देखा है मैंने, एक कहीं शादी हुई है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां उतना ही मतलब सभी वही ठाट फाट रहा पहले जो हुआ करता था, 500 से 1000 आदमी शामिल होना। वहां कोई नियम पालन यानी कि कानून नियम बना दिए गए हैं, उनका पालन ना तो आज तक हुआ है हमारे देश में और ना ही होता है, आप देखते रहते हैं। हेलमेट लगाना जरूरी है, आपने कभी देखा है? एक 200 रुपये आप लेते जाइए, आप आराम से किसी भी चौराहे को पार करते जाएंगे। कोरोना वायरस बीमारी बुजुर्गों के लिए काफी घातक है। वही दूसरी ओर सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एल डर्ली इन इंडिया 2016 की रिपोर्ट में 71% बुजुर्गों यानी कि जो बूढ़े हैं एक गांव में रहते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं। और याद रखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोरोना वायरस का प्रभाव मतलब जिसे हो जा रहा है वो बिल्कुल मर ही जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मर वही यानी कि उन्हीं का निर्धन हो जाए, मर वही रहे हैं जिनका पहले से दिमागी हालत खराब है, यानी कि कई तरह से बीमारियां भी हैं। और आप देखते हैं एक खास एज के बाद 50 एज आप जैसे ही क्रॉस करते हैं, उसके बाद आप देखने लगते हैं कि कई तरह की बीमारियां आपको घेरने लगती हैं। तो आपने सुना होगा कि बूढ़ों के लिए एक खतरा है जाना, तो उनका उनकी जो भी संख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिल रही है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के आंकड़ों की बात करें तो इसके अनुसार देश में 26,000 सरकारी अस्पतालों में से 21,000 अस्पताल ग्रामीण इलाकों में अवस्थित है। लेकिन वहीं अगर इसे बेड के संदर्भ में देखा जाए तो जहां पूरे देश में 1700 मरीजों पर एक बेड उपलब्ध है, वहीं ग्रामीणों में इलाकों में यह स्थिति 3100 मरीजों पर एक बेड उपलब्ध है। और याद रखिए, अभी भी मैं एक ग्रामीण क्षेत्र को नहीं, मैं कम से कम 1000 ग्रामीण क्षेत्रों को जानता हूँ जहाँ 5 से 7 किलोमीटर आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है सरकारी, ना तो डॉक्टर है सरकारी ना ही हॉस्पिटल है। कई ग्रामीण क्षेत्र तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 15-20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है सरकारी, तो उन गांव की स्थिति आप समझ सकते हैं बेहतर। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर का अभाव स्थिति को और विकट बना सकता है। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी अवसंरचना के साथ सड़क एवं परिवहन की निम्न गुणवत्ता भी आपातकालीन स्थिति में कोविड-19 वायरस के संक्रमण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी हताहत को बढ़ा सकता है। कहने का मतलब है कि आप अगर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो जहां आपका 15 से 20 मिनट का समय है, वहां आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। अब बात कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोविड-19 का प्रसार हो रहा है, इसे रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को मजबूत बनाना होगा। महामारी मौजूदा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वास्तविक क्षमता के सही उपयोग और इसकी समर्थ बजट आवंटन में सुधार का अवसर प्रस्तुत करता है। यानी कि कोरोना वायरस आया है तो कई तरह की ये समस्याएं खोल दी हैं इसने, जो हम लोग ग्रसित थे, जिनमें हमें मालूम ही नहीं था कि इस तरह का कुछ होता है। तो हमें इससे सीख लेते हुए बहुत
अच्छी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था में भी सुधार कर लेना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे देश में इतना ना तो जागरूकता है ना ही इस पर ध्यान दिया जाएगा। एक समय के बाद जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो वही पुरानी हमारी स्थिति फिर से लागू हो जाएगी। ग्रामीण भारत में COVID-19 के प्रभाव प्रबंधन के सभी प्रयासों को आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की व्यापक छतरी के नीचे रणनीतिक तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रक्रिया में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण तंत्र को भी मजबूत किया जा सके। चूंकि भारत की 12% से अधिक ग्रामीण आबादी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहुंचती है, इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण अस्पतालों और COVID-19 के निकटतम परीक्षण और उपचार सुविधाओं के लिए एक मजबूत रेफरल प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। 4-5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के समूह में से किसी एक में कोविड परीक्षण सुविधा उपलब्ध, उन सभी के बीच समन्वय के माध्यम से परीक्षण और क्वारंटीन सुविधा बढ़ाने की रणनीति अपनाई जा सकती है। अभी कल ही परसों मैंने किसी से बात की, पता है एक बच्चे को COVID-19 पॉजिटिव पाया जाता है, उसकी रिपोर्ट 7 से 8 दिन बाद आती है। आप सोचिए अगर 7 से 8 दिन बाद, इतने टाइम बाद आती है, तो आप हाल समझ सकते हैं कि जब तक वो चल बसा होगा। इस तरह की ग्रामीण चित्रों में देखा जा रहा है। और याद रखिए, हमारी एक बहुत बड़ी आबादी गरीब है, जो नेताओं जैसी बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं ले सकती। अभी मैं कई राज्यों के बड़े बड़े नेताओं को हुआ है तो वो VIP हॉस्पिटलों में एडमिट है, और कई विधायकों को मैंने देखा है कि अपना जिला भी छोड़कर वो राजधानी में इलाज करवा रहे हैं। मतलब समझिए कि वो उन्हीं उन्हें इतना भरोसा नहीं है अपने जिला स्तर पर जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है कि वो उन्हें ठीक कर पाएंगे, इसलिए वो दूसरे बड़े बड़े शहरों में जाकर इलाज करवा रहे हैं। उनके सामने बाकायदा LCD लगी हुई है, पूरी राजाओं महाराजाओं की तरह सुविधा दी जा रही है। और एक ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर सकते हैं आप लोग, बेड की सुविधा नहीं है, और छोड़िए, तो इस तरह की खाई आपको हमेशा देखने को मिलती रही है। इस तरह के CHC के लिए RT और PCR परीक्षण किट अभी कर्मकों और संबंधित उपकरणों की व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में COVID-19 का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। CHSC के स्वास्थ्य कर्मियों से को निकटतम कोविड परीक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा RT-PCR परीक्षणों के लिए नमूने एकत्रित करने के लिए नोडल COVID-19 CHC का एक परीक्षण वाहन सप्ताह के निश्चित दिनों में अपने आसपास के 2 CHC में पूर्व निर्धारित समय में भेजा जाइए। इससे ग्रामीणों को नियमित रूप से कुछ निश्चित दिनों में कोविड परीक्षण के नमूने देने में परेशानी नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा COVID-19 के प्रसार को रोकने एवं COVID-19 के सूचनाओं की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई गई है। अतः इन आशा कार्यकर्ताओं को सुमोचित प्रशिक्षण देकर ग्रामीण लोगों के मध्य स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाए जाने का प्रसार करना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में COVID-19 के संक्रमण लोगों की त्वरित जांच के लिए अत्यधिक मात्रा में मोबाइल वैन, कैंप शिविर और इत्यादि जैसे माध्यमों का अत्यधिक सहारा लेना होगा। एक बात, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक आर्टिकल आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको, कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता था। उसमें मैंने बताया था कि जब कोई अगर बाहर से लौट रहा है तो उस समय हम उसे क्वारंटीन कर और कोरोना पर मतलब हरा सकते हैं उसे ग्रामीण क्षेत्रों में। आप सोचिए, जहां एक लौट रहा था उसे हम लोग क्वारंटीन कर लेते, इस तरह से पूरा प्रशासन अगर काम करता, सरपंच से लेकर पूरा विधायक तक, तो हर क्षेत्र को कब्जा, मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिस पर हम लोग जिसे हरा ना सके। लेकिन हमने देखा है कि व्यवस्था में किस तरह से फैलियत रही है, उसी का परिणाम आज ये देखने को मिल रहा है। आप सोचिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी जो आपकी आशा थी, शिक्षक थे, आपके विधायक थे, मंत्री थे, तहसीलदार, बाकी सरपंच साहब, सेक्रेटरी साहब, तो ये सभी अगर क्रम से व्यवस्थित तरीके से काम करते तो अभी तक हम लोग बहुत बेहतर तरीके से निपट चुके होते इससे। लेकिन हर जगह अभाव देखने को ही मिला। विकेंद्रीकृत प्रशासन, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाना है तो प्रशासन को एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। पंचायतों के हाथों में प्रभावी निर्णय लेने
और कार्यान्वयन की शक्तियों के साथ पूर्ण नियोजन और एक विकेंद्रीकृत प्रशासन को अपनाए जाने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायतों को इस महामारी के संकट से निपटने की उपायों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। क्वारंटीन केंद्रों को स्थापित और कुशलतापूर्वक प्रबंधित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा निजी और स्थानीय डॉक्टरों को भी COVID-19 के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए भी पर्याप्त उपाय होने चाहिए कि COVID-19 रोगियों या उनके परिवारों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव या फिर अत्याचार ना हो। स्वयं देखभाल और स्वच्छता सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान भी आयोजित किए जाने की चाहिए। एक बात और आपने देखा है कि जिन्हें मालूम नहीं है कि मलेरिया की मतलब क्या सिम्टम्स हैं, यानी कि लक्षण क्या है, वो आप सोचिए कि वो कोरोना के बारे में कैसे बता सकता है डॉक्टर। तो इन्हें प्रशिक्षित करने की जरूरत है। और एक मतलब भ्रष्टाचार को भी रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि अभी भी आपने सुना होगा कि जो भी आपकी मनरेगा उसमें फर्जी कार्ड बनाए जा रहे हैं, लूटा जा रहा है सरपंच और सेक्रेटरी के द्वारा, समझ रहे हैं। तो इसको भी हमें रोकना होगा काफी हद तक। लास्ट में आप कह सकते हैं कि यदि COVID-19 के मामले मौजूदा दर से बढ़ते रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं अपनाए गए, तो यह भारत और उसकी इसकी खराब स्वास्थ्य प्रणाली दोनों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में को यथासंभव कोविड महामारी के दुष्प्रभावों से अलग रखने के लिए राजनीतिक रणनीतिक प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही हाथों की सफाई और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के ठोस प्रयास किए जाने की चाहिए। आप आज सुन रहे होंगे कि 15-16-17 लाख के करीब आपके केस जा रहे हैं, होने जा रहे हैं अभी भी। आप सोचिए, एक ही दिमाग में आप लगाइए कि उस समय अगर हम लोग कंट्रोल कर लेते, जब हमें देखने को मिल रहा था कि आज 100 केस आए हुए हैं, अगर उसी तरह हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से जागरूक हो जाती, या फिर कह सकते हैं कि जब एक केस आपका केरल में मिला हुआ है, अगर उसी समय हम लोग पूरी तरह से जागरूक हो जाते, तो इतना बुरी स्थिति से हमारा देश कभी प्रभावित नहीं होता है। एक समय आप सुना करते थे कि हमारे देश की विकास दर 7.4-7.5 चल रही है, आज आप सुन रहे हैं कि 1-1.5% हर रेटिंग एजेंसी बता रही है। तो भयानक स्थिति किस तरह से बन चुकी है। 3 महीने से आपने देखा है किस तरह से गरीब भूख से मरा है, उसे आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये स्थिति है आपकी ग्रामीण क्षेत्रों की, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने पड़ोसियों से अगर किसी को हो जाता है तो उसकी मदद कीजिए, उसे हौसला दीजिए, ऐसा नहीं कि उससे नफरत करने लगे, ठीक है।